हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट। एंड जो आज की वीडियो हमारी होने वाली है, मेडिवियल वर्ल्ड हिस्ट्री में हम रोमन एम्पायर के बारे में बात करने वाले थे यहाँ पर, यानी कि रोमन कंप्लीट हिस्ट्री ही पढ़ेंगे इसके अंदर हम। जहाँ मैंने पहली वीडियो बना दी थी जिसमें हमने डिस्कस करा था कि रोमन मोनार्की या फिर रोमन किंगडम क्या था, उसमें कुछ ख़ास ख़ास जो उसके इवेंट रहे और वो भी हम डिस्कस करें। वैसे तो बहुत लंबी हिस्ट्री बन सकती है, मगर हम यहाँ पे शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। कुछ ख़ास ख़ास इवेंट को, कुछ ख़ास ख़ास यहाँ जो काम हो रहे हैं उन चीज़ों को हम देखेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि रोमन किंगडम जब ख़त्म होता है तो रोमन रिपब्लिक इस्टेब्लिश होता है रोम में। रोमन जो रिपब्लिक जो है, इसका हिसाब क्या होता है? देखो, आज की जो डेमोक्रेसी होती है, लोग कहते हैं कि रोमन जो रिपब्लिक था वो डेमोक्रेसी था, डेमोक्रेसी नहीं था वहाँ पर, एरिस्टोक्रेसी चलती थी वहाँ पर। मतलब जैसे समाज के अंदर कुछ ख़ास लोग जो अमीर पैसे वाले होंगे या उनका जिनका धर्म क्रिश्चियनिटी शायद रहा हो, उस तरह से कुछ सिस्टम वहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ कि जिसमें ये किया गया भाई जो अमीर लोग होंगे, अभिजात वर्ग जो इसको हम इलाइट क्लास बोलते हैं, उनके पास पावर आ गया कि वो वोट डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये डेमोक्रेसी नहीं थी, ये एरिस्टोक्रेसी थी उस टाइम में। हालांकि चलो जो भी था, वोटिंग का सिस्टम शुरू हो चुका था यहाँ पर, मगर डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं थी वो। अब यहाँ पर क्या हुआ देखते हैं, हम वीडियो को शुरू करने वाले हैं यहाँ पर। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको डालना हो या कोई बात बोलनी हो तो आप जो कमेंट सेक्शन में जाकर डाल सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि कुछ बहुत सारे इवेंट्स हुए जब रोमन किंगडम जब ख़त्म होने पर आया भाई यहाँ पर। कई सारे यहाँ पर प्रॉब्लम्स थी अपने आप के अंदर कि जो रूलर था, मतलब हम बात करते हैं जिसका नाम था किंग लुकियस टर्किनियस, सॉरी टर्किनियस सुपर्ब, नाम बड़ा वो है लैटिन नेम, क्योंकि यहाँ पर ये 09 में यहाँ पर इसको BCE में हटा दिया गया, क्योंकि ये कहा गया कि भाई ये बड़ा जालिम बादशाह है और इसके बेटे ने एक लड़की औरत थी ल्यूकेट्रा, जिसका हम कहते हैं कि बाप जो था वो नोबल था, रोमन नोबल था, और उसका जो पति था वो दूसरी जो ट्राइब थी, जो एस्ट्रुकन ट्राइब थी जिनको उन्होंने कब्ज़ा करके मिलाया था अपने यहाँ पर, उनका पति वहाँ पर उस ट्राइब का था वहाँ पर, तो वो ट्राइब पूरी तरह से ख़िलाफ़ हो गई। उसके बेटे का नाम भी सेक्सटस लुकियस नाम था, मतलब हवस का ही नाम था उसका भी देखने को मिल रहा है, ऐसा ही नाम है, ऐसा ही उसका काम है, तो शायद अंग्रेज़ों ने वहीं से लिया होगा ये वर्ड भी। तो उसको चक्कर में उसको हटाया गया, बाकी ये खुद भी जालिम था, तो इसको हटा दिया गया, ओवर थ्रोन किया गया यहाँ पर। देन हम यहाँ पे देखते हैं किंग ऑफ क्लासियम लार्स पेरसेना एक्ट्रुकेंस बिसीज रोम, भाई इसने ही तो बिसीज करा था यहाँ पर, तीन लोगों ने ट्राइब ने मिलकर यहाँ पर लोगों ने जो रोम था उसको घेर लिया। अब घेर लिया देन यहाँ पे क्या करा उन्होंने, भाई सिटी पे हमला करने पर आया वो, कोई राजा तो वहाँ पर था नहीं रोम के अंदर, अब नए राजा बिठाए कहाँ से लाकर। फिर बेचारों के बीच में क्या होता है भाई, आखिर में ये ट्रीटी कर लेते हैं, भाई चलो समझौता कर लेते हैं हम तुम्हारे साथ यहाँ पर, ठीक है। और ये जो है एस्ट्रुकेंस तो है, मगर ये यहाँ का है, ठीक है, कहाँ का है, अफ्रीका का है यहाँ पर, इसका जो इलाका जो कहते थे यहाँ पर कार्थेज या फिर कार्थेज इसको बोलते थे यहाँ पर। तो इन्होंने सिटी को कैप्चर कर लिया, देन यहाँ पर इन्होंने भाई ट्रीटी साइन करी कि अब तुम्हारे यहाँ पर जो राज होगा वो, मतलब सारी ट्राइब्स जो हैं वो मिल के चुनेंगे अपना रूलर यहाँ पर, और जो रूलर यहाँ पर होगा वो किंग नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पे क्या होगा भैया, जो जुपिटर टेंपल था इसको हमने यहाँ पर कहा कि कैपिटोलिनियस जिसको नाम दिया गया है यहाँ पर, जहाँ पर हेडक्वार्टर होता था, जैसे पार्लियामेंट इंडिया में होती तरह से ये भी हेडक्वार्टर था। जुपिटर जो है वो देवता था रोमन का, मतलब रोमन स्टेट का, मतलब राज्य का मुखिया एक तरह से वो था, तो वहीं पर ऑफिस था इनका। वहाँ पर ऑफिस में ही इन्होंने एक नया सिस्टम शुरू करा कि अब यहाँ पर एम्परर नहीं होगा, कोई भी किंग नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ पे होंगे कौनसोल। कौनसोल मतलब हम बोलते हैं यहाँ पर भाई मजिस्ट्रेट टाइप का, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, और ये तो शहरी डिस्ट्रिक्ट के बराबर के ही रहे होंगे उस टाइम में, इतने बड़े शहर तो यहाँ पर नहीं थे। खुद देख लो कि ये पूरा सा इटली भी इनके पास उस टाइम तक नहीं था, और कहाँ पर ये इतना वास्ट एम्पायर अपना इस्टेब्लिश कर डालेंगे। इसको कहा गया मजिस्ट्रेट कौनसोल, कौनसोल को वहाँ पर प्रिएटर मैक्सिमस कहा गया, कि जो राजाओं का, जो इलाके का मुखिया है वहाँ का, उसके पास पावर डिवाइड की गई। शुरुआत के अंदर पहले साल के अंदर कुछ टाइम के लिए ही ऐसा किया गया कि भाई यहाँ पर सिर्फ एक साल के लिए एक बंदे को लगा दिया गया। अब इसमें ये दिक्कत हुई कि जैसे ये किंग ल्यूकियस टर्की जो सुपर था यहाँ पर, ये क्रूल हो गया था, डिस्पोजेबल बन गया था, ये ना बन जाए, इसलिए पावर को डिवाइड किया गया।
तो दो कंसोल यहाँ पर अपॉइंट किए जाने लगे, दो हर साल के लिए यहाँ पर। और बाद में कुछ पावर के अंदर इजाफा किया गया इनका, और इनको चीफ कमांडर ऑफ आर्मी बना दिया गया, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत सारे काम थे वो उनको सौंप दिए गए यहाँ पर कि अब तुम ये काम देखोगे। और ये दो इसलिए बनाए गए थे भाई कोई एब्सोल्यूट ना बन पाए, कोई मोनार्क ना बन पाए यहाँ पर, अगर एक मर जाए दूसरा काम इस्तेमाल कर लेगा और बाद में हम एक नया लेकर आ जाएंगे यहाँ पर। तो ये चीज़ उन्होंने शुरुआत करी यहाँ पर। मगर ये क्या रहा, ये था जब एम्पायर के अंदर अंदरूनी तौर पर स्ट्रगल ना हो। मगर कई बार ऐसा है कि भैया जो इनका जो अपना किंगडम था, जो रिपब्लिकन था, मान लो यहाँ पर रिपब्लिकन है और ये जो कैथरे जो इन पर हमला कर रहे हैं, तो एक कमांड तो चाहिए यहाँ पर, सीधी बात है। तो उस टाइम के लिए यहाँ पर 6 महीने के लिए एक डिक्टेटर उसको अपॉइंट करते थे यहाँ पर, ये जो कि सिर्फ 6 महीने के लिए होता था यहाँ पर, और वो सुप्रीम कमांड बन जाता था देश के अंदर। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे अब इस्तेमाल शुरुआत की गई यहाँ पर। फिर यहाँ पर दूसरी कुछ असेंबलीज़ को बनाया गया, दो असेंबली यहाँ पर मशहूर हुई, जिसमें कि पहले आता है सेंचुरेटेड असेंबली और ट्राइबल असेंबली। जो सेंचुरेट असेंबली है, सिंपल सी बात कह सकते हैं हम, ये इम्पीरियलम जो इम्पेरियम मिलिट्री पावर से रिलेटेड यहाँ पर असेंबली, मतलब इसके पास कमांडिंग होगी, एडमिनिस्ट्रेशन, जब एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो आर्मी हो पुलिस हो ये तो आपके हाथ में पहुँच जाएगी, इनके हाथ में ये चीज़ थी। दूसरी असेंबली थी यहाँ पर ट्राइबल असेंबली, ट्राइबल समिति जिसको हम बोलेंगे हिंदी में, इसका काम यहाँ पर, ये नॉन मिलिट्री असेंबली थी, इसका काम था भैया ट्राइब्स के बारे में देखना कि व्यापार कैसे करना है, कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये चीज़ें देखने वाला काम इनका अपना था यहाँ पर। देन यहाँ पर देखते हैं भाई, द पॉपुलेशन वॉज डिवाइडेड, जब रोमन मोनार्की ख़त्म हुई तो अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं भाई, अलग अलग ट्राइब के अलग अलग ग्रुप बन गए वहाँ पर, ट्राइब के अंदर भी झगड़े थे अपने आपस के अंदर के। तो कुछ ने कहा भाई हमें चाहिए मोनार्की, जो पहले का सिस्टम था यहाँ पर, राजा हो हमारा मुखिया, वो हमारा देवता है एक तरह से। कुछ ने कहा भाई रिपब्लिकन चल रहा है ना, वो बढ़िया उसको रखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, अदर फेवर्ड किंग्स ऑफ ल्यूकियम लार्स पेंसेना एंड अदर वांटेड टू पार्ट वो फॉर्म पार्ट ऑफ लेटियम लैटिन सिविलाइजेशन के, लैटिन सिविलाइजेशन जो इसके अंदर हम मिल जाएंगे, जो कि ये इतने एरिया के अंदर थी फैली हुई यहाँ तक इसके अंदर, मतलब जो रोम का अपना जो प्रभुत्व है उसको हम ख़त्म कर देंगे, रोमन लीग बनाएंगे, रोमन लीग बनती भी है बाद में, मगर जो रोम की ताकत है उसको ख़त्म करना चाहते थे वो लोग यहाँ पर, वो हालांकि बाद में फिर से वो पावर पा लेंगे अपनी यहाँ पर। और जो ये सिस्टम होता है कंसोल वाला सिस्टम, ये चलता है वैसे का जैसे, मतलब कोई जुगाड़ से काम चल रहा होता है, कोई कानून नहीं होते लिखे पड़े कानून इनके यहाँ, जो बात होती है तय कर लेते हैं ये लोग आपस के अंदर, तय चलता रहता है यहाँ पर। फिर यहाँ पर आते हैं 1449 के अंदर BC में, बिफ़ोर क्राइस्ट ईसा के आने से पहले, वेलेरिया होराइर लॉस जिसको कहा गया, ये लॉस क्या होते हैं यहाँ पर, ये एक तरह से कह सकते हैं वहाँ का लिखित कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाता है इनको, 12 पेज का होता है, मतलब 12 टेबल्स को तालिकाएँ जो होती हैं बनी हुई उसके होता है बस यहाँ पर, इसमें और कुछ खास नहीं होता। फ्रॉम 1485 BC पेट्रियाशन नो लॉन्गर अलाउ कॉमनर्स, यहाँ पर ये क्या है भाई, जो कॉमनर्स हैं जिनको हमने प्यूबेकलियंस कहा गया था यहाँ पे उस टाइम में, जो गरीब जनता थी उनको ख़त्म करवा दिया, इसमें से निकाल दिया जो सीनेट थी वहाँ से, कि भाई गवर्नमेंट तुम पार्ट नहीं लोगे, तुम गरीब लोगे, तुम्हारा कोई काम नहीं है। इसीलिए मैंने कहा यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी आ चुकी थी, सीनेट का जो डेमोक्रेसी हम कह सकते हैं वो थी, वो ख़त्म हो गई थी बिल्कुल, मोनार्कियल गवर्नमेंट में जो डेमोक्रेसी सिस्टम था वो ख़त्म हो चुका था। कॉमनर्स को इन्होंने यूँ निकाला, एक कॉमनर्स बार बार करते थे भाई बगावत कि जो स्लेवरी है उसको ख़त्म किया जाए, हमारी जो तनख्वाह है, जो भत्ता मिलता है, दैनिक भत्ता मिलता है वो बढ़ाया जाए, हमारे अधिकार भी यहाँ पर हो, हमारे पर अत्याचार ना हो, बहुत सारी जो चीज़ें चलती रहती हैं वो चीज़ें आज के टाइम में होती हैं वो भी वहाँ पर थी। तो इन्होंने क्या करा भाई, ये कॉमनर्स को निकालो, पैसे वाले तो हमें, और पैसे के बल पर ही राजकाज चलता है, तो राजा हमारे पक्ष में रहेगा, और राजा भी इनके पक्ष में था जो कि कंसोल थे यहाँ पर। ठीक है, फिर बिगिनिंग द ईरा ऑफ रोमन लॉ देखेंगे हम यहाँ पर, क्या होता है भाई, जो मैंने कहा वेलेरियन होराइरियन जो लॉस थे वो ख़त्म हो गई यहाँ पर, अब इनके अपने ही संविधान बन के सामने आता है यहाँ पर। यहाँ पर क्या आता है भाई, फर्स्ट रिटन लॉ कोड को हम कहते हैं यहाँ पर, 12 ब्रॉन्ज टैबलेट्स के ऊपर ये लिखा गया था और पब्लिक साई कहा गया, मतलब पब्लिक सिली इसको करा गया था कि भाई जो लोग हैं वो देख पाए, इसलिए इसको रोमन फोरम पे लगाया गया, इसको हम हिस्टोरियन कहते हैं कि रोमन किला का भी रहा होगा, राजाओं का दरबार, उसके बाहर लिख के लगा दिया गया, खंभों का भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई दिखा दूंगा मैं आपको, तो उसमें लगा दिया गया इसको कि लोग पढ़े और समझ सकें यहाँ पर। अब इसमें था क्या,
जो इसमें लिखा गया है, हिस्टोरियन कहते हैं कि भाई इसमें जो था वो क्या क्या था यहाँ पर, लीगल प्रोसीजर, किसी ने चोरी करी, किसी ने हत्या कर दी तो उस पर कार्रवाई कैसे होगी वो डिस्क्राइब किया गया था यहाँ पर। डेप्ट फॉरक्लोजर, किसी पे अब ब्याज है, कर्जा है, उसको हम कैसे निपटाएंगे यहाँ पर, मतलब किसी का घर बार लूटेंगे नहीं हम, तरीके से निपटाएंगे उस चीज़ को, ठीक है। पैटर्नल अथॉरिटी के बाप की बात, बेटे को क्या मिलेगा, बेटी को क्या मिलेगा ये चीज़, ठीक है। प्रॉपर्टी राइट्स, घर का अधिकार। इनहेरिटेंस मतलब जो हमारे जनजात अधिकार मिलते हैं हमें, या फिर जो जनजात जो चीज़ें हमें मिलेंगी वहाँ पर राज्य के अंदर। फ्यूनरी रेगुलेशन, मरने के बाद हम क्या करेंगे, दफनाएंगे, जलाएंगे, पानी में भागेंगे, इंसान को क्या करेंगे, वो चीज़ यहाँ पर डिस्क्राइब की गई थी इसके अंदर, ठीक है। और ये 12 टैबलेट्स के ऊपर लिखा गया था, तो इसको हम लो ऑफ 12 टैबलेट्स भी कहते हैं यहाँ पर। और यही काफ़ी लंबे समय तक तब रोमन रिपब्लिक रहेगा, यही काम करता रहेगा यहाँ पर। फॉर अराउंड 13 BC रियल पॉलिटिकल पावर इन रोम वॉज सेंटर इन सेनेट, सीनेटरी पावर रहती 300 BC तक यहाँ पर। और इसमें भैया मेंबर जो होते हैं पेट्रिशियन जो होते हैं, अमीर जो लोग होते हैं उनके ही यहाँ पर लोग होंगे इसके अंदर। एंड वेल्दी प्लेबियंस फैमिली, जो अमीर गरीब, जो अमीर लोग हैं गरीब तबके के रहने वाले उनमें से बस। तो ये सिस्टम यहाँ पे चलेगा। देन हम देखते हैं इसी टाइम में क्या होता है, एक्सपेंशन होना शुरू होता है। और ये सबसे ख़ास पीरियड है रोमन एम्पायर, रोमन रिपब्लिकन जो है उसके अंदर, कि सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंशन होगा रोमन हिस्ट्री में वो इसी टाइम पे एकदम से फैलता है बड़ी स्पीड से। यहाँ पर देखते हैं हम क्या क्या यहाँ पर जो होता है, कि हम देखते हैं कि वो जो उनकी पावर होती है इवेंचुअली यहाँ पर होती है एक्सपोनेंशियली यहाँ पर होती है पावर, कि भाई एकदम धीरे धीरे बनी, मतलब स्पीड से पावर बढ़ती है इनकी। और जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो आबादी होती है वो सब दुगनी हो जाती है एकदम से। जब हमारा जो ज़मीन है वो फैलेगी तो जाके आबादी जो होगी हमारे देश में ही आएगी, सीधी बात है, हमारे देश की जनता बन जाएगी वहाँ पर वो, तो वही चीज़ यहाँ पर भी होगी, ठीक है। इसी बीच यहाँ पर क्या हुआ, 390 BC में गॉल्स जो है वो इस पर आक्रमण कर डालेंगे रोम के ऊपर। अभी गॉल्स यहाँ पर क्या है, ये भाई ट्राइब है, सीधी बात है, जर्मनिक ट्राइब है यहाँ पर। अब ये रहा गॉल्स यहाँ पर थे, यहाँ से इन्होंने हमला कर दिया रोम के ऊपर, रोम को घेर दिया बिल्कुल, ख़त्म करने की ताकत पर आ गई यहाँ पर लेकर ही है, ठीक है। इसमें कौन कौन से जो रूलर्स निकल कर आते हैं, कमांडर जो आते हैं भाई, मिलिट्री हीरो है मार्कियस फ्यूरियस कैली कैमिलियस, इवेंचुअली गेन कंट्रोल ऑफ इंटायर इन इटालियन पेनिनसुला बाय 2064। गॉल इसको ख़त्म कर डालेंगे रोम को, जो ताकत जो है इसकी तोड़ डालेंगे इसको यहाँ पर। देखो बहुत सारी ट्राइब मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर थी, देखो गॉल जो है यहाँ पर वो ये रहे, ठीक है। अब अलग अलग जो ट्राइब्स हैं यहाँ पर वो एग्जिस्ट कर रही हैं, रोम बेचारा अकेला यहाँ पर इतनी दूर है। फिर इन्होंने जो जगहें हैं सारे पे कब्ज़ा कर रखा है इन्होंने, ये भी कब्ज़े में इनके। सोचो उस टाइम इनके पास शिप इतनी बड़ी बड़ी रही होंगी जो ये पहुँच जाते थे वहाँ पर। यहाँ पे मैं दिखा भी दिया कौन कौन से हैं ये, ठीक है। अब देखते हैं फिर यहाँ पे क्या होता है, तो जो रोम है वो टुकड़ों में टूट जाएगा वापस से। जब देखेंगे भाई ताकत ख़त्म हो गई, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है तो हम अलग हो जाते हैं। जब दिल्ली में होता था पहले, कि जब दिल्ली सल्तनत है हुमायूं, जो मुग़ल सल्तनत है यहाँ पर, जहाँ वो कमज़ोर पड़ी इलाका उन्होंने कहा भी हम आज़ाद हैं, वही चीज़। फिर यहाँ पर इनका मिलिट्री कमांडर आएगा, इसका नाम बताया गया मार्कियस फूरियस कैमिलियस, जो भी नाम है ये, ठीक है, ये यहाँ पर आएगा। फिर ये दोबारा से कैप्चर करना शुरू करेगा, जो लोग बाहर निकल गए थे उनको कंट्रोल में लेकर आएगा। और 264 BC तक ये सारा जो रोमन पेनिनसुला है पूरा का पूरा, ये जो रीजन है जो बचा हुआ भी है उसे भी कब्ज़ा कर लेगा, फिर ये मिला लेगा अपने यहाँ। और इससे पहले यहाँ पे क्या होता है भाई, रोमन इटालियन वॉर शुरू हो जाते हैं। ये क्या होते हैं भाई, रोमन रिपब्लिक एंड इट्स नेबर लैटिन पीपल ऑफ एशियंट इटली। जैसे कि मैंने बताया कि जब गॉल्स ने हमला करा, तो गॉल्स ने हमला भी कब करा था, अरे मैं आगे चला गया बहुत, ठीक है, ये टाइम है। और जब गॉल्स ने हमला करा तो जो रोमन एम्पायर वो टूट चुका था, किंगडम जो कमज़ोर पड़ चुका था, तो इन लोगों ने क्या करा, आपस में लड़ना शुरू कर दिया। मतलब क्या था ना, ये कबीले लड़ते रहते आपस के अंदर, मगर किसी ने बाहर से हमला कर दिया तो मिल गया आपस के अंदर लड़ने के लिए उससे। तो ये एक मैप है, देखो कहाँ कहाँ के जो किंगडम्स थे अपने अपने, ये सब के सब आपस में लड़ने लग गए थे यहाँ पर। हालांकि ये साफ नहीं आ रहा होगा शायद, ये तो रोम जो है ये बड़ा किला सबसे बड़ा यहाँ पर है, ठीक है। तो इन्होंने रोम ने क्या करा, जब ये सभी लड़ने लग गए आपस के अंदर, रोम ने शुरू करा अपना एक्सपेंशन, ठीक है।
कि भाई हम इसको हम मारेंगे पीटेंगे ख़त्म करेंगे, जो सारे लोग उठा रहे हैं सर उठा रहे हैं उनको कुचल के हम ये ऐसे जगह फैलेंगे और वापस से कंट्रोल में ले लेंगे। तो ये क्या होगा, रोमन लैटिन वॉर्स कहलाते हैं कि जो ये लीग है, एक लीग बन गई थी भाई लैटिन वहाँ के लोगों की, जो रोमन इटली के जो पेनिनसुला के लोग देखे भाई हम एक देश बन जाते हैं यहाँ पर रिपब्लिकन बन जाएंगे, तो उनके अंदर फूट पड़ गए, लड़ने लग गए वो लोग आपस के अंदर। तो उन्होंने क्या करा भाई, मैं बड़ा बन जाऊँ, रोम तो बड़ा था ही, उन्होंने कहा इसको फेंको हम बनते हैं बड़ा नया। तो हालांकि यहाँ पर क्या होता है कि जो रोम है वो ताकतवर बन जाता है वापस से, और वो अपना एक्सपेंशन शुरू करता है, सॉरी जो एक्सपेंशन नहीं कहेंगे इसको हम, मिलिट्री कैंपेन शुरू करता है जो बाहर के जो ट्राइब्स थी इनकी जो बाहर निकल गए थे लीग से उनके ख़िलाफ़। तो बहुत सारे जो इनके लीग में जो मेंबर होते हैं वो डर जाते हैं और वो ऑटोमेटिकली सरेंडर कर डालते हैं अपनी शहरों को, चलो भाई ठीक है हम तुम्हें जो ऑटोनॉमी उसको आपस से मानते हैं कि भाई ये क्योंकि रोमन आएंगे जनता को मारेंगे और शहर को बर्बाद करेंगे यहाँ पर। देन बाद में क्या होगा, जब रोम इन सब के ऊपर कंट्रोल कर लेगा, वो कहेगा भाई अब लीग वीक कुछ नहीं है यहाँ पर, जो है रोम है सब कुछ, और हाँ ये है कि तुम्हारी जो पावर रहेगी तुम वोटिंग कर सकते हो सेनेट के अंदर, बस इतने तुम्हारे पास की पावर रहेगी और कुछ नहीं तुम्हारा काम बिल्कुल भी। हालांकि बाद में भी हम देखते हैं कि रोमन जो ट्राइब है जो लैटिन ट्राइब है उसमें से और जगह से निकल के भी आते हैं रूलर यहाँ पर, ठीक है। देन यहाँ पर हम देखेंगे भैया, लैटिन गेन पार्शियल राइट एंड वेरी लेवल ऑफ सिटीजनशिप। जब रोम का इन्फ्लुएंस बढ़ना शुरू हुआ, मैंने कहा ना कि जब इन्होंने रोमन लीग का ख़त्म कर दिया, भैया तुम कोई देश फेश नहीं हो, तुम हमारी प्रोविंस हो, तो जो जनता थी वहाँ की उनको क्या मिलने शुरू हो गया, सिटीजनशिप। हालांकि उनको सेकंड सिटीजन माना गया यहाँ पर, जो फर्स्ट सिटीजन वहाँ पर थे वो रोमन थे जो रोम के आसपास रहते थे अपने अपनी आबादी के, जो लोग चाहे वो किसी टाइप का हो जो रोम में आ गया, जो सरपरस्ती में आ गया वो वहाँ का है, जिसका मुखिया अलग है वो क्या है सेकंड सिटीजन है वहाँ पर, उसकी जो राइट होंगे वो कमज़ोर से कमज़ोर होंगे यहाँ पर। देन ये होता है भाई जो सिस्टम चलता है ये इस तरह से हो जाता है यहाँ पर। देन हम देखते हैं कि रोमन्स की फ़ाइट होती है किसके खिलाफ, कार्थेज के खिलाफ, जिसने इन पर पहले आक्रमण करा था और रोम इनके मतलब इनके इन्फ्लुएंस में आ गया था यहाँ पर। अब रोम पावरफुल हो चुका है यहाँ पर 1525-26 के आसपास वापस से, तो रोम अटैक करेगा कार्थेज के ऊपर कि भैया अब हमला करेंगे, हम बदला लेंगे, बाप का बेटे का सबका बदला लेगा, वाला बदला कर देंगे। देन यहाँ पर क्या होगा भैया, 3 प्यूनिक से लेकर 4 प्यूनिक वॉर जो होते हैं वो शुरू होते हैं यहाँ पर। इसमें क्या होता है भाई, सिसिली ये टापू है, टापू इलाका है ये, सबसे पहले उसको कैप्चर करेंगी ये सिसिली, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसमें भी नहीं है, फिलहाल तो है नहीं मैप में पास का, तो उसको ही कंट्रोल में ले लेंगे सबसे पहले अपने यहाँ पर। फिर जो मेडिटेरियन वेस्टर्न मेडिटेरियन है, स्पेन है, अब देखो स्पेन तक ही पहुँचने लग गए लोग, तो ये सब जगह जाएंगे फैलेंगे और भैया फिर अपना कब्ज़ा ये करते करते ताकत बढ़ा लेंगे अपनी। देखो हिस्पानिया लिखा हुआ है यहाँ पर, हिस्पानिया मतलब जो स्पेन है, यहाँ पर करेंगे कंट्रोल ही अपना, ठीक है। ये रहा सिसिली, सिसिली पर कंट्रोल कर लेंगे अपना इस्टेब्लिश, तो इस तरह से ये अपना एक्सपेंशन करना शुरू करेंगे। जो कार्थेज उसको हराएंगे, दो जो पहली हुई उसमें क्या करा उन्होंने, सिसिली छीना, स्पेन को छीन लिया कार्थेज से यहाँ पर, जो कंट्रोल में था कार्थेज के, मतलब जो साउदर्न जो स्पेन था सारा स्पेन के कंट्रोल में नहीं आता एकदम से। फिर आता है यहाँ पर थर्ड प्यूनिक वॉर, जो कि होता है 149 BC से 146 BC के बीच। अब ध्यान रखने वाली बात है टाइम इस तरफ जाता है, और ये हम बात कर रहे हैं बीसी में, तो 100 यहाँ पर होता है बीसी में, 1 यहाँ पर होता है, तो इस तरफ जाते हैं हम इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ होती है, रोमन जो है फिर अटैक करना शुरू करते हैं यहाँ पर, तो रोमन कैप्चर कर डालते हैं कार्थेज की जो कैपिटल होती है उसे, और जो वहाँ के लोग बचते हैं उनको बनाते हैं गुलाम, उठा के अपने यहाँ पे ले आते हैं। मतलब उतनी आबादी उस टाइम में नहीं होती थी बिल्कुल भी, कि हम सोच रहे हैं कि 1 लाख की फ़ौज जा रही है, 60,000 की फ़ौज जा रही है, 300-200 लोग गए लड़ने गए हरा के आ गए ख़त्म, कहानी बस इतना, और इससे ऊपर कुछ नहीं था वहाँ पर, असल में हिस्ट्री ऐसी थी वहाँ पर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई, लीडर्स में निकल के आते हैं दो लोग, क्या है, हैनिबल लेड द कार्थेजियन फोर्सेस अबाउट 220-200 आर्मी, बताया ना मैंने कि 300-200 लोग होते हैं, ज़्यादा होते नहीं थे पहले टाइम में। व्हेन ही वॉज डिफीटेड बाय रोमन कमांडर सीपियो एफ्रिकस द एल्डर, ठीक है, साइपियो होगा, ठीक है, यहाँ पर इसने इसको हरा दिया कार्थेज को, ठीक है। देन यहाँ पर क्या हुआ भैया, ईस्ट में जो कार्थेज के कंट्रोल मतलब सीरिया मैसेडोनिया
मैसेडोनिया का जो राजा होगा वो अलग होगा, यहाँ पर ग्रीस एंड इजिप्ट इन सबको ये मिला लेंगे अपने देश के अंदर। हेलेनिस्टिंग जो है हेलेनिस्टिक जो एम्पायर को ख़त्म करके यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो रोमन देख रहे हैं हम पेनिनसुला है यहाँ पर, जो उसके आसपास के जो छोटे छोटे टापू थे बचे हुए जो ख़तरा नहीं थे हालांकि उसके लिए, उन्होंने कहा भी चलो ख़तरा ना बने इसने पहले ख़त्म कर दो इनको। तो इन्होंने क्या करा यहाँ पर, अचियन जो आइचिन जिसको हम बोलेंगे लीग है उसको उन्होंने क्या करा, कंट्रोल करा और बर्बाद कर दिया बिल्कुल। कॉरिथ जो उसकी सिटी थी उसको बंद मतलब दबाव में आग लगा दी बिल्कुल यहाँ पर, और इन्होंने क्या करा भाई इसको भी मिला लिया अपने देश के अंदर और ये बन गई इनकी प्रोविंस। यहाँ पर क्या हुआ, जनता फैलने लग गई, बड़ी आबादी होने लग गई। अब सबको हम यहाँ पर सिटीजनशिप कैसे दें, तो इन्होंने क्या करा उनको दी सेकेंड सिटीजनशिप कि तुम हमारी आबादी देश के तो हो तुम, मगर 5,000 जो है ना हमारे देश के लोगों से कम हैं, जो हमारे इनहेरेंट लोग हैं वो तुमसे ऊपर हैं। हालांकि चीज़ तो गलत थी फिर भी उन्होंने करा ऐसा। तो इन्होंने क्या करा, जहाँ जहाँ पर कब्ज़ा करा उसको देश के अंदर, लेकिन यह ऐसी दाई है उनको बनाया प्रोविंस। तो इसमें हम कहते हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट होनी शुरू यहाँ से काफ़ी हद तक होती है रोम में। पहले क्या था, जो राजा सबके कंट्रोल, जो राजा जो है सबके कुछ उसी कंट्रोल के अंदर है राजा के पास में यहाँ, तो राजा एक पास से इसको छीन कर, मतलब छीना नहीं गया, राजा के अंडर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए गए इस तरह से कि अब राजा के पास जो शक्तियाँ हैं उसका बंटवारा किया जाए। तो प्रोविंशियल गवर्नर हम बोल सकते हैं कि उनको अपॉइंट किया गया, ये मिलिट्री गवर्नर एक तरह से होते थे उस टाइम में, कि उनको एब्सोल्यूट राइट दिया गया भाई कि जो नॉन रोमन सिटीजन है तुम जैसे चाहो उनको मारो पीटो पर उनको कंट्रोल में देश के अंदर रखो, ठीक है। तो ये इस तरह से एक्सपेंशन हुआ और इनकी कैपिटल जो थी वो एक रोम बन गई, सेंटर रोम बना, और जो बाद में जो आसपास जगह जुड़ती रहेगी वो बन जाएंगी इनकी प्रोविंस, देश का हिस्सा इनका डायरेक्ट कंट्रोल में इनके नहीं होगा वो। इससे क्या हुआ, जो सोसाइटी थी उसके अंदर कल्चरल ग्रोथ होती है, यहाँ पर अलग अलग ट्राइब्स के लोग मिलेंगे, शादी ब्याह भी होगी, व्यापार भी होगा, जान पहचान बढ़ेगी। तो वो क्या हुआ, मिलिट्री मल्टी कल्चरल सोसाइटी बननी शुरू हो जाती है इनकी यहाँ पर, ठीक है। इससे क्या होगा भैया, बहुत सारी चीज़ें जो है रोम जो है वो सीखेंगे, कल्चर सीखेंगे ग्रीस का यहाँ पर, ठीक है। अब इसका नुकसान भी हुआ यहाँ पर कि जो रोमन थे वो बन गए फर्स्ट सिटीजन, मतलब अधिकार ज़्यादा हैं अब। मगर प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि जो रोम है वहाँ पर इतना जो रिपोर्ट जो हम कह सकते हैं भैया, खेतीबाड़ी इतनी अच्छी नहीं थी या लोग करते नहीं थे वहाँ के इतने अच्छे से। मगर जो मैसेडोनिया है और सीरिया है वहाँ के जो इलाके लगते थे, और आपका जो दूसरे जो हम कहेंगे अफ्रीकन के जो ऊपर की कंट्रीज़ हैं वहाँ पे खेती अच्छी थी भाई, वहाँ से क्या वो फसल आने लग गई है रोम के अंदर। तो जनता जो थी रोम की वो परेशान हो गई इससे, उनको लगा भैया जो हमारी चीज़ है वो सस्ती महंगी पड़ रही है लोगों को खरीदने, तो लोग हमारी खरीद नहीं रहे। तो लोगों ने क्या करा, जो रोम के गाँव थे उनको छोड़कर जो शहर थे वहाँ जाना शुरू कर दिया इससे, ठीक है। इससे क्या हुआ भैया, बड़ी सिटी जो सिटी थी उसके अंदर बड़ी दिक्कत होनी शुरू हो गई यहाँ पर। फिर यहाँ पर जो लोग थे अब शहर पहुँच गए तो गांव काम कैसे करें, वहाँ पर शहर के अंदर पहले से गुलाम पड़े हुए हैं, यहाँ पर गुलाम कहाँ से आ रहे हैं, जो हार रहे हैं उनको उठा के लेकर आ रहे हैं, गुलाम बना रहे हैं उनको ये। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो अमीर लोग हैं उनके पास तो गुलाम आ गए फ्री में काम करने वाले, और जो गरीब है उसके पास काम नहीं है। तो इनके बीच शुरू होता है यहाँ पर पावर स्ट्रगल, या फिर हम कह सकते हैं भाई टेंशन क्रिएट होती है देश के अंदर बहुत बुरी तरह से, गंदी तरह से बिल्कुल। इसको कहते हैं हम यहाँ पर कि पीरियड ऑफ अनरेस्ट एंड रेवोल्यूशन हुआ रोम के अंदर, ठीक है। और यही वजह बनती है फिर बाद में जाकर यहाँ पर कि रिपब्लिकन से यहाँ पर से ये एम्पायर बन जाएगा, मतलब मोनार्क आएगा भी, मोनार्क भी क्या हुआ तो एम्परर बैठेगा वहाँ पर बिल्कुल, कि जो सारी प्रोविंस है उनके जो गवर्नर की पावर थी खुद की उनको छीन के अपने कंट्रोल में ले गया। तो मेरा मतलब याद आया तो यहाँ पर मेरा इस तरह से यहाँ पर होगा। अब जो ये गरीब जनता है इसके लिए उनको कुछ सरदार चाहिए था, क्योंकि लड़ने वाला हमारी तरफ से हो, तो यहाँ पर एक सरदार बन के आएंगे गाइनियस मार्कियस, ठीक है। और ये 7 बार कौंसल बनेंगे यहाँ के, और ये गरीब जनता से निकल कर आते हैं यहाँ पर, मिलिट्री कमांडर होते हैं, हालांकि ये कमज़ोर बाद में ये अमीर बन, मतलब वो मिलिट्री कमांडर बन जाते हैं, देन इनका जो प्रमोशन होते होते ये कौंसल बन जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और एक आएगा सुल्ला, वो मिलिट्री ऑफिस जो आर्मी ऑफिसर है बन जाएगा कौंसल। तो ये लोग क्या करेंगे भाई, ये कोशिश करेंगे भाई जनता के जो कॉमनर्स हैं जो प्लेबियंस हैं उनका अधिकार मिले और उनको सीनेट के अंदर जो हिस्सेदारी है वो मिलनी शुरू हो, उनकी बात की सुनवाई हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा भैया, सिविल वॉर शुरू हो जाता है बिल्कुल देश के अंदर यहाँ पर, ठीक है।
सिविल वॉर क्या करेगा भैया, बहुत सारे जो लोग हैं उनको निकाल के लेकर आएगा, जो गरीब ही होंगे। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, पॉम्पे द ओरेटर साइरियो और जूलियस सीजर सबसे मशहूर तो इसमें यही है। तो ये क्या करेंगे धीरे धीरे कि भैया जो रोम है वहाँ के डिक्टेटर बनने शुरू होंगे। यहाँ के डिक्टेटर मतलब क्या, जब जरूरत पड़ी आर्मी की किसी बाहर की, उस पर हमला करने की नहीं है तो चाहिए था उनको डिक्टेटर, तो वही ये बन जाते हैं यहाँ पर, और इनकी पावर जो है यहाँ से बढ़ने शुरू होगी। ठीक है, आफ्टर हिज असैसिनेशन इन 40 BCE द ट्रेनियन ट्रुमविनेट ऑफ मार्क एंटनी लेपिडस एंड ऑक्टेवियन सीजर नेफ्यू रूल्ड। अब यहाँ पर क्या होगा, जब जूलियस सीजर जो है, बताऊँगा इसके बारे में अलग से ही मैं, जब इसको मार दिया जाएगा तो इसका पोता पर पोता, इसका दोस्त और इसका जिसको चुना हुआ जो बंदा होगा यहाँ पर, जो लेपिडस जो है ना वो उसका चुना हुआ बंदा है, मतलब जो मैं चुना है इसने, तुम बोलो मैं बताता हूँ क्या। ऑक्टेवियन जो है ये ऑगस्टस बने आगे चल के, तो ये रूल करेंगे तीनों मिलके और रोम को 300 के अंदर बांट लेंगे ये, मतलब देश एक ही रहेगा उसमें तीन अलग अलग जगहों पर रूलर। ठीक है, फिर ऑक्टेवियन ही आएगा, वो ऑगस्टस बन जाएगा, वही देश पर राज करेगा, फिर वो फर्स्ट एम्परर बन जाएगा। ये होगा, इससे पहले कुछ जो स्ट्रगल है उसको थोड़ा देख लेते हैं हम यहाँ पर। ये मैंने स्पीड थोड़ा सा बनाने के बाद चली चली थोड़ा सा लिख दिया इसको यहाँ पर, बाद में समझाऊंगा मैं इसको भी आगे। और इन द लेटर रोमन रिपब्लिकन देयर वर सो मैनी इंटरनल प्रॉब्लम्स, ये टी है गलत हो गया थोड़ा सा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर उठने लगी। सबसे ज़्यादा खास तो वही थी भैया, इकोनॉमिक जो गैप था बढ़ने लग गया, जो पुअर है वो पुअर बननी है और जो भैया अमीर है वो तो गुलामी करवा रहा लोगों से और अमीर बनना है यहाँ पर बनिया एक तरह से। द रीच ऑफ द रिच पीपल स्टार्टेड इंक्रीजिंग एंड प्रेशर ऑफ द रिच ऑन द एम्परर और किंग इंक्रीजिंग, कि जो अमीर है उसका दबदबा बढ़ने लग गया, गुलाम भी है उसके पास। अब जब गुलाम है तो अगर चाहे तो उनको ट्रेनिंग दे के फौज बना ले जाए राजा के खिलाफ यहाँ पर, तो वही वो कंट्रोल में आने लग गया राजा वगैरह जो थे, जो भी कौनसोल थे मतलब यहाँ पर दबाव में आ गए। और जो पूर्व क्लास है उनकी ज़मीन पर कब्जा होने लग गया, जो अमीर लोग हैं उन्होंने अपने हम कह सकते हैं गुंडों के जरिए ज़मीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया लोगों के, ये हुआ यहाँ पर। तो मुख्य फिर निकल कर आते हैं इनके लिए, मतलब गरीबों के मसीहा निकल कर आते हैं, टाइबेरियस एंड गाइस क्रेस्टस। ठीक है, तो ये क्या करते हैं भैया, जो ये प्रॉब्लम है इनको ख़त्म करना चाहते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम कुछ रिफॉर्म्स लेकर आएंगे देश के अंदर, जो गरीब जनता है उसको बराबर करेंगे हम जनता के यहाँ पर, और बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर करेंगे। ये इनके जो मूवमेंट चलते हैं 133 BC 123 से 122 तक चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, मगर ये फेल हो जाते हैं ड्यू टू इनको मार दिया जाता है यहाँ पर इनके ओपोनेंट के ज़रिए। फिर नए निकल कर आएंगे, भैया कोई बैठेगा थोड़ी ना यहाँ पर, अब नए निकल कर आएंगे इस मसीहा यहाँ पर इनके, गाइस मार्कियस जो भी है। ठीक है, यहाँ पर कॉमनर है ये, ताकत इकट्ठी करेगा अपनी, मिलिट्री पावर बनाएगा, आर्मी को इकट्ठा करेगा, और देन ये बन जाएगा भैया कॉमन यहाँ का कौनसोल बन जाएगा, 6 बार बनेगा, और ये फिर इन्फ्लुएंस डालेगा रोम के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। इन 90 BC मार्कियस वर्ड स्ट्रगल अगेंस्ट अटैक बाय हिज ओपोनेंट। अब इसके जो ओपोनेंट है वो उसको मारेंगे, जो अमीर लोग हैं यहाँ पर, सीधी सी बात है। और यहाँ पर क्या होगा भाई, इसके बाद जो इसका फेलो जनरल है सुला, वो बन जाएगा डिक्टेटर यहाँ पर, कब, 82 BC में। ठीक है, और फिर जब ये सुल्ला जब यहाँ से हटेगा, अब सोला है सुल्ला जो भी आप देख लेना, जो भी लिखा उसका सही लिखा पढ़ लेना क्या है ये, क्योंकि पता नहीं क्या नाम है, पढ़ लेनी पड़ते सही से मेरे भी। और इसका जो फॉर्मल सपोर्टर होता है किसका, मार्कियस का, पॉम्पे, जो कि बताया मैंने पॉम्पे बाद में जगह जगह यहाँ पर डिवाइड करेगा, तो ये कौनसल बन जाएगा यहाँ का। देन इसके बाद कौनसल बनेगा यहाँ पर मार्कियस टुलियस साइरियो, इस बीच यहाँ पर राइज होता है जूलियस सीजर का इसी टाइम में। ठीक है, जब जूलियस सीजर बैठेगा गद्दी के ऊपर आकर, तो ये क्या करेगा भैया, अलायंस बनाएगा पहले चलाकी से, इसमें क्या करेगा भैया, पॉम्पी को इस्तेमाल करेगा, पॉम्पी के साथ यहाँ पे क्या होगा, मार्कियस ल्यूसियस क्रेसियस जो भी नाम है, ये जूलियस सीजर तीन की जो मतलब क्या है यहाँ पर, ये अलायंस बन जाएगी तीनों अमीर लोगों की। इसमें जूलियस सीजर जो है ना वो अमीर नहीं है मगर मिलिट्री में माहिर है, इनके साथ ही क्या करेगा भैया, समझौता करेगा, हम देश को बांटते हैं 300 में, एक पे तेरा राज, एक पे मेरा राज, एक पे तेरा राज, ऐसा करता है। तो इसको मिलता है गॉल, गॉल में सबसे ज़्यादा आबादी होती है, जो जो यहाँ में आबादी अच्छी खासी है, और दूसरे जो ट्राइबल लोग हैं,
तो ये ट्राइबल लोगों के ख़िलाफ़ करेगा बहुत सारे मिलिट्री एक्सपेडिशन और उनको खूब मारेगा, दबा के कत्लेआम करेगा, उनका माल लूटेगा। तो ये क्या बनेगा भैया, अमीर हो जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है। और ये मार्कस ट्यूलियस साइरो जूलियस सीजर इन्वेड इन ओ क्या नाम है इटली। देखा मैंने बताया कि पोम्पी बाद कौन बनेगा यहाँ पर, मार्कस ट्यूलियस सेरियो। जब ये यहाँ पर पदिए बैठ जाएगा तो जूलियस सीजर जो है पावर गेन कर लेगा। अब वो सोचेगा भैया मैं रोम पे हमला करता हूँ इटली के ऊपर और इसको हटा के मैं खुद बैठूँगा गद्दी पे, और बाकी में ये कर डालता है। गॉल से क्या करेगा, ये ट्राइबल लोगों को इकट्ठा करेगा, अपने ज़बरदस्ती कंट्रोल में लेकर आएगा, मतलब ग़ुलामों की फ़ौज लेकर आएगा। पैसा पैसा मतलब पैसा जो पास अच्छा खासा होगा, तो ये इन्वेट कर डालेगा इटली के ऊपर और 45 BC पे ही बैठ जाएगा रोम में और बन जाएगा ऐसा डिक्टेटर वहाँ का, ठीक है। मतलब क्या है कि रोम के अंदर कॉन्सोलशिप हो गई ख़त्म और रिपब्लिकन यहाँ से होना शुरू हो गया ख़त्म बिल्कुल। इसके बाद क्या होगा भैया, इसकी हो जाएगी मौत, इसको मार दिया जाएगा, इसके जो ओपोनेंट जो है यहाँ पर जो मतलब अमीर लोग हैं फिर से मार देंगे गरीब को। गरीब तो रहा नहीं फिलहाल ही था, तो गरीब का मसीहा ही फिर भी है, ठीक है। हिस्टोरियन कहते हैं कि 15 मार्च 1444 BC में इसको मारा गया था, 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है। ये कौन कौन थे यहाँ पर, मार्कस जूनियस ब्रूटस एंड गाइस कैसियो। ये कौन थे, रिपब्लिकन्स थे, मतलब सपोर्ट थे कि भाई डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए देश के अंदर, सबके चलेगी देश के अंदर चुनकर, इनने मरवा दिया इनको, ठीक है। और जबकि दो लोग थे इनको मार दिया गया, किसी तरीके से मार्कस एंटनी जो कि सपोर्टर था, उसकी जो अलाइज बनी थी तीन लोगों की, सपोर्टर था उसका, और इसका ग्रेट नेफ्यू जो है ऑक्टेवियन, ऑक्टेवियन ठीक है, जो कि बनने के बाद में चल के आगे अगस्टस, और इसके नाम पे आता है महीना जो है अगस्त का महीना, इसके नाम पर ही है वो, ठीक है। जिस महीने गद्दी बैठेगा उस महीने का नाम पड़ता है अगस्त यहाँ पर। तो ये फिर दोबारा बनाएंगे अपनी एक और, जिसको उन्होंने कहा ट्रियुमविरेट, मतलब ट्रिपाइट गवर्नमेंट एक तरह से। एक देखिए मान लो ये गोल एक ये देश है, मान लो एक साइड तेरी भाई, एक साइड मेरी, एक साइड इसकी, मेरा ख्याल फिलहाल ख्याल बांटा है मैंने तो, मतलब देश को उन्होंने तीन हिस्सों के अंदर ही बांट लिया कि भाई तीनों मिलकर करेंगे अब राज हम देश पे। मार्कस जो अटोनमी है इसको मिलता है ईस्टर्न रोम, इस साइड वाला रोम, ठीक है। और ऑक्टेवियन जो है जो ऑगस्टस बनेगा इसको मिलेगा वेस्टर्न रोम, जहाँ पर असल में रोम ही है देश, ठीक है। और जो लेपिडस है इसको मिलता है अफ्रीका, तो जो लेपिडस तो अफ्रीका में बैठा हुआ है, कोई रोल नहीं इसका खास यहाँ पर, तो वहाँ पे जो करना है सो करता रहेगा वहाँ पर ये। और 39 BC में ये जो बनी थी इनकी अपना जो दोस्ती का जिन्होंने संधि बनाई थी अपनी, वो ख़त्म हो जाती है यहाँ पर। और 31 BC में ऑक्टेवियन क्या करेगा भैया, पहले मारेगा एंटनी को, जिसके पास यहाँ पर क्या था ईस्टर्न, जहाँ से होकर वो पहुँचा था इजिप्ट में। इजिप्ट में कहते हैं जो एंटनी था उसका चक्कर था किससे, सियोपेट्रा से, जो कि रानी थी इजिप्ट की, मतलब जो रूलर था इजिप्ट का उसकी बहन थी सगी, ठीक है। वहाँ सिस्टम था कि वो शादी मतलब शादी करते थे बहन भाई आपस के अंदर इटली के वहाँ पे, सॉरी इजिप्ट के अंदर, तो वही चीज़ थी। फिर इस लड़की ने शादी करी थी कि मतलब इस लड़की का मतलब कहते हैं कि सौत का प्रेम संबंध था जूलियस सीजर से, फिर उसके परपोते से भी कहते हैं भैया उसका रहा बाद में प्रेम संबंध रहे, हालांकि ये कब्ज़े में आती है बाद में किसके, ऑक्टेवियन के, जो बनता है ऑगस्टस, और वहाँ पे ये सुसाइड कर लेगी बाद में, ठीक है, मरने से पहले कर देगी, मतलब जो उसकी आर्मी पहुँचती है इजिप्ट में उससे पहले ये मर जाएगी, आत्महत्या करेगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, ये सियोपेट्रा के साथ साथ एंटनी भी जो है भैया जहर खा के मर जाएंगे दोनों यहाँ पर ये, और बचेगा यहाँ पर कौन, एंटनी ही एंटनी। अब जो लेपिडस था कहाँ गया, ये अफ्रीका में था, इसको पहले ख़त्म कर दिया की ताकत को उन्होंने। देन आता है 29 BCE में, ऑक्टेवियन बैठता है थ्रोन पे और पूरे के पूरे रोम पे कंट्रोल करेगा, जो सारे के सारे प्रोविंस से गवर्नर्स को अपने कंट्रोल में लेकर आएगा, और जो उनकी ताकत थी उसको चकनाचूर करके बना देगा भैया रोमन एम्पायर, और बन जाएगा बिकम द फर्स्ट एम्परर ऑफ ग्रेट रोमन एम्पायर, ठीक है 29 में। और 21 कहते हैं कि भैया पक्का टाइम था जब ये पक्का तौर पर बन चुका था एम्परर ऑफ रोम, ये इसका स्टैचू भी है, ठीक है। तो यहाँ पर होता है रोमन जो रिपब्लिकन था उसका अंत, देन अब शुरू होगा रोमन एम्पायर, फिर आता है यहाँ पर बाइजेंटाइन एम्पायर, जो कि मैंने पहले ही वीडियोस की अपलोड कर रखी है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।